मैंने यार 4 महीने की प्रिपरेशन से जे एडवांस्ड में ऑल इंडिया रैंक 247 हासिल की थी और किसी को भी ये सुनकर अनअचीवेबल लगेगा, बट अगर आप मेरा टाइम टेबल देख लोगे ना तो आप कहोगे हाँ भाई सब कुछ अचीवेबल है। सुबह 7 बजे उठता था और उठते ही ब्रश करते ही सीधा मैथ्स पढ़ने बैठता था। यूजुअली बंदा उठता है, थोड़ा फोन चलाता है, फिर पेरेंट्स से 4 गालियां सुनता है कि यार तू उठा नहीं, फोन चला रहा है उठते ही। इससे आपके मन में नेगेटिविटी आ जाती है। इसमें पेरेंट्स का नहीं, आपके उठ के फोन खोलने का कसूर। मैथ्स पढ़ते समय बीच में मेरी मदर मुझे ब्रेकफास्ट दे जाती थी, मैं टेबल पर ही ब्रेकफास्ट फटाफट खा के फिर वापस पढ़ाई पे लग जाता। ऐसे चलते चलते दोपहर के 2 बज जाते थे और तब मैं थक जाता था। मैं जाके नहा के आता था जिससे मैं फ्रेश फील करता था। सुबह नहीं नहाता था, दोपहर को नहाता था। नहाने के बाद मुझे सुबह की फ्रेशनेस फिर से मिल जाती थी, मैं रिचार्ज महसूस करता था और 5-6 घंटे फिजिक्स भी पढ़ता था। और जब फिजिक्स से थक जाता था तो फिर बाकी पूरा रात तक केमिस्ट्री पढ़ता रहा। रात को प्लान करता था कि अगले दिन क्या करूंगा और ऐसे हर एक दिन 16 घंटे पढ़ता रहा। करियर में कुछ भी एक्सेप्शनल अचीव करना चाहते हो तो आपको इतनी मेहनत कभी ना कभी करनी पड़ेगी। इस शॉर्ट पर इतने सारे कॉमेंट्स आए थे, इतने सारे कमेंट्स के सर आप इसके ऊपर एक फुल वीडियो लेकर आइए। तो आज वो वीडियो आ गई है। अगर आपका टाइम टेबल और रूटीन सही बैठ गया ना तो IIT कंफर्म। आज मैं आपको स्लॉट वाइज समझाऊंगा कि टाइम टेबल सही से कैसे बनाते हैं और ये एक रियलिस्टिक और इम्प्लीमेंटेबल टाइम टेबल होगा। सबसे पहली चीज, 4 से 6 घंटे आपके कोचिंग में स्पेंड होते हैं, करो कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप जब कोचिंग के लेक्चर्स देख रहे हो तो वो सारी की सारी चीज वहीं के वहीं समझ लेनी है उसको। ये नहीं हाँ नहीं इसको बाद में समझूंगा अभी नोट कर ले तो नो, सारी की सारी चीज वहीं के वहीं समझनी है और सारे क्वेश्चन जो क्लास में करवाए जा रहे हैं वो वहीं पर ही अपने आप से करने हैं और उनको भी वहीं के वहीं कंक्लूड करके खत्म करके आना है। घर पे आके आपको सिर्फ होमवर्क करना है। सेकेंड स्लॉट है 3 घंटे की रिवीजन और होमवर्क। क्लास में बैठ के नोट्स बनाने की जगह ना क्लास में सारा समझ के आओ। जो जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसकी हेडिंग्स लिख लो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको PDF मिल जाती है, जो ऑनलाइन नहीं भी पढ़ते हैं वो आप हेडिंग्स के बाद अगर कोई टीचर जैसे डेरिवेशन या कुछ करता है तो आप उसको वहाँ वर्कआउट करो, रादर देन हाँ बोर्ड से देख के लिखे जा रहे हो। नहीं, अगर आप उसको वहीं वर्कआउट करोगे ना तो आपका आधा काम जो है बल्कि सारा ही काम आपका क्लास में ही खत्म हो जाएगा। उसके बाद 3 घंटे जो होंगे उसमें आप जो आपने कॉपी में लिखी हेडिंग्स सिर्फ हेडिंग सोच के याद करो कि क्लास में क्या हुआ था और कहीं अटक नहीं सकते क्या? बिल्कुल अटक सकते यार, बट यू हैव द स्लाइड्स और यू हैव द बुक। आप वहां से जाकर जहां अटको वहां जाके देख लो। इससे क्या होगा, हो सकता है शुरुआत में आपको प्रॉब्लम भी हो क्योंकि आप बार बार बुक जाके खोलोगे या स्लाइड जाके खोलोगे, पर पता क्या होगा जब आप 2-3 हफ्ते तक ये कर लोगे ना तो उसके बाद आपको आदत हो जाएगी कि यार मैं ना घर जाके ये मुझे डायरेक्ट फिर इसको हेडिंग देख के याद करना है, हेडिंग देख के मुझे सारा याद आना चाहिए जो मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ। तो क्लास में ही वो प्रेशर रहेगा कि पूरे फोकस से सब यहीं के यहीं ख़त्म करो। जब तक आप अपने आप को उस प्रेशर सिचुएशन में डालोगे ही नहीं कुछ नहीं होगा। ये मेथड मैं अपनी JEE की प्रिपरेशन में यूज़ करता था। मैं इसको उस टाइम पर बोलता था कोरा कागज़ टेस्ट, बट साइंस में इसको बोलते हैं एक्टिव रिकॉल। कि हेडिंग पढ़ी, अब जो भी मन में आ रहा है वो मैंने या तो मन में किया, कई बार मैथ वैथ एंड डेरिवेशन वगैरह होती है तो आप उसको पेपर पे करो, कोरे कागज़ पे खुद ही लिख दो सारा और वो कोरा कागज़ पे जो भी लिख रहे हो ना उसको फाड़ दो। ठीक है, जब आप फाड़ दोगे ना तो आपको पक्का ये रहेगा अपने दिमाग में कि मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, जो पढ़ना है अभी पढ़ना है, यही फाइनल। मैं अपनी प्रिपरेशन में ऐसे ना करता तो 4 महीने में 247 रैंक नहीं आती। मन से लिखो, ये नहीं कि बुक से देख देख के, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ब्रो। यू आर जस्ट अ जेरोक्स मशीन। जेरोक्स मशीन करेगी IIT क्रैक। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप एक रेप्यूटेड कोचिंग में जाके रेप्यूटेड टीचर से पढ़ते होगे, ना कि किसी टिकटॉकर से। उस केस में आपको जो DPPs या क्वेश्चन मिल रहे होंगे वो पक्का क्वालिटी के ही होंगे, तो आके सबसे पहले वो क्वालिटी DPPs सॉल्व करो। आप अगर रेगुलरली अच्छी कोचिंग का अगर होमवर्क करोगे ना तो आप वैसे ही बहुत आगे निकल जाओगे। थर्ड पॉइंट है कि पुराना रिवाइज करो। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आप सिर्फ ये करने लग जाओ तो मैं बता रहा हूँ, एक्टिव रिकॉल या कोरा कागज टेस्ट आपका IIT कन्फर्म है। आपको बस क्या करना है, पुराना कोई चैप्टर, क्यों पुराना भूलते चलते हैं, पुराना कोई चैप्टर उठाओ, आप उसकी बुक खोल लो, या मैंने जैसे आपको बोला कि कोचिंग में भी आप जब जाते हो तो नोट्स में सिर्फ हेडिंग लिखो, हेडिंग पढ़ के फिर याद करो। यार जब आप JEE एडवांस के अंदर बैठे होगे आपको क्या वहां पर सब कुछ लिखा होगा, हेडिंग भी नहीं लिखी होगी मेरी जान, हेडिंग भी नहीं लिखी होगी। आपको क्वेश्चन देख के सोचना होगा कि कौन सी हेडिंग रेलेवेंट है और फिर उस हेडिंग के नीचे क्या है, वो सारा कंप्यूटर की तरह विजुलाइज हो जाना चाहिए और वो आपको फिर सीधा अप्लाई करना है और आपको ऑप्शन जो भी मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट करने हैं। ऐसे चलता है। कोरा कागज टेस्ट is actually preparing you for JEE Advanced for real. जब आप पुराने टॉपिक्स को
पीरियोडिकली रिवाइज करोगे। अगर आपने 5 बार रिवाइज कर लिया, होता क्या है ना यार, आपने कुछ पढ़ा वो धीरे धीरे डाई अवे होने लग जाएगा, लेकिन अगर आप दोबारा उसको पढ़ लेते हो ना तो वो और ज़्यादा गूढ़ता से, घनिष्ठता से आपके दिमाग में वो जम जाता है। उसके बाद आप, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो डाई अवे होता है, फिर आप पढ़ लेते हो, ऐसे करके वो कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मेमोरी में आने लगते। ऐसा नहीं होता ब्लर हो रहा है यार वहाँ क्या था मैं, कुछ नहीं होगा ऐसा अगर आप बार बार करो। साइंस कहती है कि अगर आप 5 बार एक्टिव रिकॉल कर लेते हो तो आपको ऑलमोस्ट ता उम्र के लिए कोई चीज़ याद हो जाती है। पहला एक्टिव रिकॉल 1 वीक बाद, दूसरा एक्टिव रिकॉल 30 दिन बाद, तीसरा एक्टिव रिकॉल 60 दिन बाद, चौथा एक्टिव रिकॉल 1 क्वार्टर यानी 90 डेज बाद, और 5वां एक्टिव रिकॉल अपने टेस्ट से जस्ट पहले। जब आप बार बार अपने माइंड को रिट्राइवल के लिए, रिकॉल के लिए बार बार यूज़ करोगे, दिमाग कंप्यूटर जैसा बन जाएगा। हेडिंग आई नहीं कि सारा कंप्यूटर की तरह इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होने लग गई, गूगल ही आप बन गए। आप ऐसा अपने माइंड को ट्रेन कर दोगे, वो माइंड के लेवल को, माइंड की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ को अनलॉक करते हो, वो मौका आपको जेई में मिलता है। चौथा पॉइंट, छुट्टी के दिन क्या करना है। छुट्टी माने कोचिंग की छुट्टी, जेई एस्पिरेंट की ज़िंदगी में कोई छुट्टी नहीं होती। छुट्टी का फ़ायदा उठाओ, बैकलॉग क्लियर करो, लिखो कमेंट्स में, लिखो IIT की कसम है तुम्हें कि मैं छुट्टी को बैकलॉग क्लियर करने के लिए यूज़ करूँगा। वीकेंड पर एक टेस्ट ज़रूर देना है, और जब मैं रिवीजन की बात कर रहा हूँ तो उसमें केवल थियोरी पे ध्यान नहीं देना बल्कि क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना। और मैं बता रहा हूँ क्वेश्चंस कौन से वाले। आप क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। एक कैटेगरी क्वेश्चंस वो हैं कि आप थियोरी पढ़ के अच्छे से आए थे, आपने एक कैटेगरी क्वेश्चंस देखे, वो देखते ही सॉल्व हो गए आपके, तो यार अगर आप दोबारा कभी थ्योरी रिवाइज कर लोगे तो ए कैटेगरी वाले तो सॉल्व ही हो जाएंगे। फिर आते हैं बी कैटेगरी वाले क्वेश्चंस, जो आपने सॉल्व तो कर दिए थे पर आपके मेथड लंबे थे, या आपके मेथड से सुपीरियर मेथड बुक के सॉल्यूशंस में, या किसी टीचर के इलस्ट्रेशंस में, या टीचर कभी क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है उसमें ज़्यादा बेटर मेथड मिले, तो आप वो बी कैटेगरी में क्वेश्चन रखो। और सी कैटेगरी क्वेश्चंस वो होते हैं जो आप बिल्कुल आपके सिर के ऊपर से निकल गए, आपसे नहीं सॉल्व हुए। ये बी और सी कैटेगरी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिवीजन के टाइम पर आपको बी और सी कैटेगरी के क्वेश्चन, थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद सिर्फ बी और सी कैटेगरी के क्वेश्चन देखना, ए को देखना ही नहीं है, मैंने आपका काम घटा दिया। ये होता है स्मार्ट वर्क। इसमें एक बात और ध्यान रख लेना कि बी कैटेगरी के क्वेश्चन ना देखते ही आप मन में भी सॉल्व कर दो चलेगा, या अपने आप को बता दो कि हाँ यहाँ ये मेथड था ये करना था चलेगा, पर सी कैटेगरी के क्वेश्चन आपको रिवीजन में भी हाथ से सॉल्व करने हैं। मैंने तो इस वीडियो से आपको गाइड कर दिया, पर आप तो 15 साल के नू भी रहोगे ना यार। आप जो टाइम टेबल बना रहे हो वो जेई के लिए सफिशिएंट है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा। टाइम टेबल बन भी गया तो क्या गारंटी है कि आप उसको फॉलो कर लेंगे। फॉलो कर लिया तो IIT कन्फर्म है, पर क्या गारंटी है कि आप उसको फॉलो कर लेंगे। आपका टाइम टेबल बाकायदा रिव्यू हो जाए एक IITian के द्वारा, इसके लिए मैं आपके लिए एक 1-to-1 काउंसलिंग सेशन विद एन IITian मेंटोर लेकर के आया हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके एक IITian मेंटोर के साथ 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हो। और इस सेशन में और अच्छा रहेगा अगर आप अपने पेरेंट्स को लेके आओ और अपना एक टाइम टेबल बना करके लेके आओ। आपका वो टाइम टेबल और आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन को एक IITian उस सेशन में असेस कर रहा होगा और आपको उसके हिसाब से राइट एडवाइस देगा। सोचो इससे आपकी प्रिपरेशन पर कितना बड़ा चेंज आएगा। ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देश के अंदर लिमिटेड ही IITians हैं, 1% से भी कम लोग IITian बनते हैं। तो ये लिंक सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।